यार मैं अभी अभी कर्नन मूवी देख के आया हूँ और सच बताऊँ ना, जैसा एवेंजर्स का क्राउड होता था ना, ठीक वैसा ही कर्नन का क्राउड था भाई। एक भी सीट खाली नहीं थी, पूरा का पूरा हाउसफुल था, जैम पैक थिएटर्स, सीटियों पे सीटियाँ बज रही थी, हूटिंग हो रही थी। पीवीआर में इतना गजब का क्राउड, इतना औसम एक्सपीरियंस थिएटर में मूवी देखने का ना, एवेंजर्स के बाद आज आया है। वो कहते हैं ना, सिनेमा ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, सच कहते हैं। मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया, और केवल क्राउड ही नहीं, फिल्म भी बहुत औसम है। जहाँ बॉलीवुड अपनी फिल्में पोस्टपोन पे पोस्टपोन कर रहा है ना कि कोरोना का टाइम है, लोग आएंगे नहीं देखने, भाई अच्छी फिल्में बनाओगे ना तो लोग डेफिनेटली जाएंगे फिल्म देखने। इस साल जितनी भी बॉलीवुड फिल्में रिलीज हुई है ना, उसमें मैंने 15-20 लोगों से ज़्यादा लोग देखे ही नहीं थिएटर में। जनवरी में मास्टर मूवी ने देखा कितना कमाई किया था भाई, पूरे 300 करोड़। और आज कर्नन का माहौल देखकर ऐसा लगता है कि भाई ये भी अच्छा खासा पैसा कमा लेगी। और कर्नन मूवी तो मास्टर मूवी से बहुत ज्यादा अच्छी है। ऐसा ही चलता रहा ना तो लास्ट ईयर बॉलीवुड वाले थिएटर्स वालों को धमका रहे थे ना कि हमें ज्यादा पैसे दो, जिसकी वजह से सिंगल स्क्रीन थिएटर्स कितने सारे बंद हो गए कोरोना काल में। भाई अब थिएटर्स वाले बोलेंगे बॉलीवुड वालों को कि हमें तुम्हारी मूवी लगानी ही नहीं है भाई, ऑडियंस तो आती ही नहीं है देखने, हम तो सिर्फ साउथ इंडियन मूवीज लगाएंगे। कर्नन की बात करें तो मूवी बहुत अच्छी है, विजुअल मेटाफर जो यूज किए हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। मूवी की थीम ऑपरेस्ड और ऑपरेसर की है। धनुष जिस गांव से बिलोंग करता है, वहां की लड़कियों को दूसरे गांव वाले कॉलेज नहीं जाने देते। उस गांव के लोगों के लिए तो सरकारी बसें तक नहीं रुकती आने जाने के लिए, बेसिकली उनको सब नीचा दिखाते हैं। ओपनिंग सीन कुछ ऐसा है कि एक बच्ची है जिसे फिट्स पड़ रहे हैं और उसके मुंह से झाग निकल रहा है, और वो सड़क के बीच में पड़ी हुई है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। अगल बगल से ना बहुत सारी बसेस आ रही जा रही है, गाड़ियां आ रही जा रही है, पर कोई गाड़ी रुक नहीं रही उसकी मदद के लिए। और एक दफा तो ऐसा भी लगता है कि कोई बस वाला उसके ऊपर गाड़ी ना चढ़ा दे। फिर वो लड़की वहीं सड़क पे पड़े पड़े ना दम तोड़ देती है, और फिर कैमरा उसके फेस से ना धीरे धीरे ऊपर जाता है टू शो अस गॉड्स आई व्यू, और फिर वो बच्ची गॉडेस बन जाती है। फिर ये गॉडेस हमें पूरी मूवी में बैकग्राउंड में दिखती रहती है क्रूशल सीन्स में, जैसे जब लास्ट में धनुष तलवार उठाता है ना और घोड़े पे बैठता है, तो ये गॉडेस हमें दिखती है और वो ताली बजाती है। इस सीन का क्या मतलब है ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट स्पॉइल द मूवी फॉर यू। जिस वे में गॉडेस का यूज़ किया है ना पूरी मूवी में एज अ मेटाफॉर, आई लव्ड इट। ओपनिंग सीन के बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि धनुष को पुलिस पकड़ के ले जा रही है, और धनुष की शक्ल नहीं दिखाते, वेस्ट से नीचे का शरीर दिखाते। पुलिस उसे लेके जा रही है और उसके कपड़ों में काफ़ी सारा खून लगा है, और पुलिस वाले अपने चमड़ों के जूते से ना धनुष के पैरों को पूरी तरह से दबा रहे हैं, बेसिकली उसे चोटिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो गांव वाले हैं ना वो धनुष के लिए प्रेयर कर रहे हैं कि वो बच जाए, वापस आ जाए। अब ऐसा क्या हुआ कि धनुष पुलिस की नज़रों में गुनहगार और गांव वालों की नज़रों में हीरो बन गया, ये आपको पूरी फिल्म में आगे देखने को मिलेगा। ये जो प्रेयर वाला सीन है ना, उसको इतने क्रिएटिव वे में शॉट और एडिट किया है ना, हाई कॉन्ट्रास्ट, डार्क ब्लैक बैकग्राउंड और गांव वालों के फेसेस को शार्पन किया है, वो देखने में बहुत आर्टिस्टिक लगता है। पहले वो गॉड्स आई व्यू वाला सीन, फिर ये क्रिएटिव शॉट, तो मुझे स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही पता लग गया था कि इस मूवी में कैमरा वर्क, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी होने वाली है। वो जो सीन है ना जिसमें धनुष घोड़े पे, और जब घोड़ा दौड़ता है ना तो पीछे मिट्टी उछलती है, और उस सीन को पीछे से शॉट किया है, वो देखने में बहुत प्यारा लगता है। डार्क एक्सपोजर काइंड ऑफ सिल्वेट टाइप का शॉट है, ऐसा लग रहा था जैसे गोल्डन आवर में उसे शूट किया है। और फिर जब उसी सीन को जब फ्रंट से दिखाया है ना घोड़े के फेस की तरफ से, तो वो बहुत हाई एक्सपोजर के साथ है, और ऐसा लगता है जैसे उसे डे टाइम में शूट किया है। देखो कई बार ऐसा होता है ना, जब आप कैमरा को हल्का सा टिल्ट करते हो ना तो एक्सपोजर चेंज हो जाता है, और थोड़ा डार्क एक्सपोजर के साथ ना बहुत प्यारा शॉट मिलता है। ऐसा होता है कि भाई लाइटिंग जो नेचुरल लाइट है ना वो तो हर सेकंड जो चेंज होती रहती है, तो उसकी वजह से एक्सपोजर वैल्यू भी चेंज होती है। तो इन लोगों को ना सेम सेटिंग में शॉट लेना चाहिए था एक्सपोजर वैल्यू चेंज करके, क्योंकि एक सीन को जब इन्होंने डिफरेंट एंगल से शॉट किया है ना तो वो ऐसा लग रहा था जैसे वो अलग अलग डे में शूट हुआ है। तो जब एक एंगल से तो हमें ऐसा लगा कि जैसे ये सीन जो है गोल्डन आवर में शूट हुआ है, फिर उसी सीन को जब दूसरे एंगल से शॉट किया है ना तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मिड डे शूट है। और ये चीज़ मूवी में कई बार होती है। अगर इन्होंने ये चीज़ पोस्ट प्रोडक्शन में किया है तो एडिटर और डायरेक्टर का मिस्टेक है। इन्होंने खुद ही इतना अच्छा कैमरा वर्क, इतना अच्छे सिल्वेट शॉट्स, क्रिएटिव शॉट्स दिखाए कि अपने लिए हाई बार इन्होंने खुद ही सेट कर दिया। अब ऐसा हो रहा था ना कि मूवी में एक हल्का सा भी छोटा सा भी इशू हो रहा था ना तो फील हो रहा था। वैसे इस मूवी के जो डायरेक्टर है मारी सेल्फ राज, और जो डीओसी है थैनी ईश्वर,
भाई इन दोनों ने बहुत अल्टीमेट काम किया और इन दोनों को ही ना स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए। इस मूवी का BGM बहुत अल्टीमेट है, बहुत एनर्जेटिक है, मतलब सच में मज़ा आ गया। मूवी देखने के बाद भी ना आपके कानों में बजता रहेगा। संतोष नारायण का म्यूजिक सच में बहुत प्यारा है। मूवी काफ़ी फास्ट पेस्ड है, फर्स्ट हाफ में बिल्डअप किया जाता है, एक के बाद एक चीज़ें होती है जिसमें दिखाया जाता है कि गांव वालों को कैसे ऑप्रेस किया जा रहा है और धनुष अपने गांव वालों के लिए ना उनके राइट्स के लिए लड़ता है, पर उसे खुल के लड़ने की आज़ादी नहीं मिल रही, बंदिश है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल प्रेशर कुकर वाली फीलिंग आती है कि ये बंदा फटने तो वाला है, अब कब फटेगा ये देखना है। जैसे धनुष के हाथ बंधे हुए ना बंदिश की वजह से, ठीक वैसे ही मूवी में एक डोंकी है जिसके आगे के दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए हैं ताकि वो भाग ना पाए। तो इंटरवल से ठीक पहले जब वो सीन आता है ना बस तोड़ने वाला, उस सीन से पहले ना डोंकी के पैरों की रस्सी भी खुल जाती है और धनुष को आज़ादी भी मिल जाती है खुल के अपने गाँव वालों के लिए लड़ने की। बेसिकली इस मूवी की राइटिंग और स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है और फिल्म के एंड में वो डोंकी अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। तो जैसे मैंने आपको मूवी की स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि इस मूवी में मेटाफोर को बहुत अच्छे से यूज़ किया है, जैसे वो गॉडेस हो गई और ये डोंकी हो गया, तो ये दोनों चीज़ ना दिखाती है कि राइटिंग बहुत अच्छी है। मूवी में बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो बहुत टफ टू वॉच है, जो आपको बहुत अनकंफर्टेबल कर देंगे, चाहे ओपनिंग सीन हो या पुलिस स्टेशन वाला सीन हो या पूरा का पूरा क्लाइमैक्स। और क्लाइमैक्स तो इतना खतरनाक है ना कि मतलब यार देखा भी नहीं जा रहा था, इतना टफ हो गया था। धनुष और राजिशा की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी है, उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी और वो गाल पे किसेस वाले जो सीन्स है वो बहुत क्यूट है। इन दोनों का मूवी में जो रिलेशनशिप है ना वो मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा, अल्फा मेल और वो डोमिनेंस वाला सीन, फीमेल प्रस्पेक्टिव से वो उतना अच्छा नहीं है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो योगी बाबा हो या लाल हो, दोनों ने ही बहुत अच्छा काम किया है और बाकी भी जो कास्ट है ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है। मूवी का साउंड डिज़ाइन बहुत अच्छा है सिवाय थप्पड़ों के साउंड की, थप्पड़ों की आवाज़ ना बहुत पैनी लगी मुझे, खैर वो गाल गाल का भी फर्क होता है, आई एम जस्ट किडिंग। धनुष की परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा इसलिए नहीं बोला क्योंकि क्या बोलूँ यार, ही इज़ ऑलवेज परफॉर्मिंग ग्रेट, ए सैल्यूट टू मारी सेल्वराज फॉर मेकिंग दिस फिल्म। मज़ा आ गया यार फिल्म देख के, अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाओ और ये मूवी देखो, एक्सपीरियंस दिस जैम इन थिएटर्स। यार पिछले 10 दिनों में तो सच में मज़ा आ गया है, पहले इरो लाई फिर जोजी और अब कर्नन, इंडियन सिनेमा इज डूइंग ग्रेट एंड आई एम लविंग दैट। जब वीडियो यहाँ तक देख ही लिए तो पसंद भी आई गई होगी, तो भाई लाइक भी कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।